अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 2 फॉर डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस नंबर सिस्टम। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम। सो वी have got decimal number system, caveman base 5 number system, binary number system, number system conversion को हमने देखा था थोड़ा सा। सो आज में जो इस लेक्चर में हमने करना है वो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन किस तरह से करते हैं वो चीज़ें। सो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए सम ऑफ वेट्स एक्सप्रेशन बेस नंबर एंड वेट्स सम टर्म्स पेपर एंड पेंसिल मेथड, जिसमें हम रिपीटेड डिवाइड करते हैं से टू से जो रिमाइंडर आता है वो हमारे पास बिट आती है। और दूसरा मेथड हमारे पास है सम ऑफ नॉन जीरो टर्म्स मेंटल अर्थमेटिक क्विक मेथड सम ऑफ वेट ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। सो हम देख कौन कौन से मेथड हैं। सम ऑफ वेट्स हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है कि ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम उसको बेस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम उसको पावर दे देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, और फिर हम उसको एट द एंड कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास डेसिमल टर्म। सम ऑफ ज़ीरो मेंटली आप देख सकते हैं कि आपके पास इसमें 100112, इसमें आपको मेंटली आप इस तरह से देख सकते हैं कि 00 जो आपके पास टर्म्स हैं उसके साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। सो आप उसको छोड़ दें। सो आपके पास लीस्ट टर्म जो है वो 1 है, और लीस्ट राइट पे वो 1 है, 1 पावर 0, इसका मतलब ये 1 ही आएगा। फिर आपके पास टू जो दूसरी टर्म है वो सेकेंड डिजिट पे पड़ी हुई है, तो उसमें आपके पास 2 की पावर 0 होगी तो 2 की पावर 0 1, सॉरी 2 की पावर 1 होगी तो 2 की पावर 1 2 ही होगा, तो 2 into 1 2 आ गया। और दूसरी आपकी जो 1 बिट पड़ी हुई है वो लोकेशन 5 पे पड़ी हुई है, तो 2 raised to power 4 आपके पास आंसर आ जाएगा 16 16 into 1 16। तो मेंटली आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0 बिट को आप छोड़ देंगे और जो बाकी जिस पॉइंट पे वो पड़ी होंगी या जिस इंस्टेंस पे बिट पड़ी हुई है जिनकी वैल्यू 1 है, तो उनको आप मल्टीप्लाई कर दें अपने जहन में और फिर उनको ऐड अप करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो अब डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन में वही चीज़ के सम ऑफ वेट्स वाला मेथड और रिपीटेड डिविजन पेपर पेंसिल मेथड आ गया। सो इसको हम देखते होता है। तो सबसे पहले सम ऑफ वेट्स, अब इसमें आप देखें कि आपके पास नंबर है 392, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले जो आपका क्लोजेस्ट वेट बनता है वो जो लेस देन 392 है वो 256 है, और जो इसे ग्रेटर है जो इसे हाईएस्ट वेट है बनता है 256 के बाद वो बनता है 512, विच इज़ ग्रेटर देन 392, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम 256 को यूज़ करेंगे। वेट हमारे पास ये आ गया, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 136, और बाइनरी बिट आपके पास 1 आएगी, ठीक है जी, जब आपके पास कोई वैल्यू प्रॉपर आ रही हो। जब आपका जो वेट है वो लेस देन थ्री लेस देन अगर नंबर है तो आपके पास बिट जो है वो पॉजिटिव आएगी, मींस के 1 आएगी। अब देख लें आपके पास 136 सब्सट्रैक्शन है वो अब आ जाएगा नंबर में, और अब जो लीस्ट जो उसके क्लोजेस्ट वेट बनता है वो 128 बनता है जो उससे स्मॉलर है। सो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा और बिट हमारी 1 होगी। अब आप देखें कि हमारे पास 8 आ गया, अब जो वेट बनता है उससे क्लोजेस्ट वो 64 है, ठीक है, अब वो हाईएस्ट है 8 से, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम बिट क्या आ गई हमारे पास 0। नेक्स्ट भी हमारे पास 8 है और जो वेट आता है 32 आता है नेक्स्ट, तो इस वजह से वो भी 0 है क्योंकि वो हायर देन 8 है।
नेक्स्ट हमारे पास 16 है विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 8, सो बिट हमारे पास बाइनरी बिट 0 आएगी। अब नेक्स्ट दोनों हमारे पास 8 है, सो 8 माइनस 8 0, सो बिट हमारे पास 1 आ गई। और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसलिए हमारे पास बिट आ गई। सिर्फ लेस देन के केस में हमारे पास बिट जो है वो 0 आएगी। अब हमारे पास नंबर में 0 आ गया और जो हमारे पास वेट है वो 4 है, इसलिए ग्रेटर देन 0 है तो बिट हमारे पास 0 आएगी। इसी तरह 2 के केस में भी, इसी तरह 1 के केस में भी। तो ये जो हमारे पास नंबर बनेगा वो आएगा 0001 00011। सो जो हमारे पास हाईएस्ट टेबल में आप देख सकते हैं जो नंबर 1 पे होगी वो हमारे पास 8th बिट होगी और जो लास्ट आएगी वो हमारे पास 0th बिट होगी। तो इनको इसको आप जो है वो अप डाउन साइड अप ऑर्डर में लिखेंगे तो आपके पास जो 392 है वो किसके इक्वल आ गया, 0001 00011 के। अब जो उसमें आपने इस तरह से करना है, इसको डिवाइड करना है रिपीटेडली 2 से, मतलब 392 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 196 और रिमाइंडर बचेगा 0। 196 आ गया, आप 196 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 98 बिट, रिमाइंडर बचेगा 0। 98 को 2 से डिवाइड करेंगे 49 बचेगा, रिमाइंडर आएगा 0। 49 को 2 से करेंगे तो 24 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 24 को 12 करेंगे 2 से तो 12 आएगा 0। 12 को 6 से करेंगे 0, रिमाइंडर आएगा। 6 को 3 से करेंगे सॉरी 6 को 2 से करेंगे 0, रिमाइंडर आएगा। 3 को 2 से करेंगे 1, रिमाइंडर आएगा। और 1 को 2 से करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा। सो इसको आप अपसाइड डाउन ऑर्डर में लिखेंगे। इस केस में जो आपके पास टॉप वाली बिट है वो P0 है और जो लास्ट बिट है वो P8 है। सो आपका जो 392 है वो इक्विवेलेंट है 0001 00011 के। सो ये हमारे पास दो मेथड्स थे जो हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ वेट्स मेथड, वेट्स डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2। मींस कि अगर आपके पास 0.1102 है तो इसके अगर फ्रैक्शन के उस साइड पे, तो इस केस में क्या होगा, वेट्स आपके होंगे 1/2, 1/4, 1/16, 1/32, 1/64, इस तरह से कैरी ऑन करेंगे और जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8125। उसी तरीके से जो हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सिंपल वाले केस में किया था, लेकिन इसमें क्या होगा कि वेट्स आपके चेंज हो जाएंगे, इस कंटिन्यूटी में वो चलेंगे। सो जो डेसिमल टू बाइनरी का प्रोसीजर है वो आप रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2 से करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से आपके पास 0.8125 नंबर है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.625 बिट। आपके पास जो फ्रैक्शन के उस लेफ्ट साइड पे है वो आपके पास बिट आ रही है, तो आप उसको इसको जब इंटीजर लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह 0.625 अब बच गया, बाकी वो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो आंसर आएगा उसकी जो फ्रैक्शन से लेफ्ट साइड पे बिट है वो आपकी आ जाएगी। इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट आपने अलग कर देना है, फ्रैक्शन पार्ट को दोबारा आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 0.500। आप 0 को आप इंटीजर पार्ट में लिखेंगे और 5.500 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 1 आ जाएगा और 1 आपके पास एट द एंड इंटीजर पार्ट में आ जाएगा और बाकी आपके पास बच जाएगा 000। सो तो आपके पास इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगी। तो आप इसको लिखेंगे किस तरह से, 0.1101 बिट का जो इंस्टेंस बनता है वो उसके साथ दिया हुआ है, B-1, B-2, B-3, B-4। सो अब आते हैं अर्थमेटिक की। सो बाइनरी को
हम हमारे पास जो चार बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले आ जाते हैं एडिशन में। बेसिक रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन के, आपके पास दो डिजिट्स हैं और एक सम आएगा और एक कैरी आएगा। अब 0 + 0, आपके पास सम 0 आ गया और कैरी 0 आ गया। 0 + 1, सम 1 आ गया, कैरी 0। 1 + 0, सम 1 आ गया, कैरी 0। 1 + 1 में आपके पास आंसर आएगा 1 0। सो 0 आपका आ गया सम में और 1 जो आपका चला गया कैरी में। सो एडिशन ऑफ मल्टीपल बाइनरी नंबर। सो ये आपके पास चार नंबर हैं इस केस में, तो आप जिस तरह से नॉर्मल एडिशन करते हैं आप उसको उस तरह से देखें। चार नंबर को आपने ऐड करना है, तो फ्रॉम द राइट साइड आपने शुरू करना है। 1 + 1 0, 1 0। सो 0 आप इधर लिखेंगे और 1 आपका चला जाएगा कैरी में। 1 + 1 + 1 + 1, अब ये आपके पास 4 1 आ गए, तो इसका आंसर बनता है, ये बेसिकली 4 बनता है, और 4 बाइनरी में 1 0 0 होता है। तो 0 आपने रिजल्ट में लिखना है और 1 0 आपका कैरी में चला जाएगा। सो 1 0, 1 और 1, ये आ गया आपके पास 1 0 + 1, ये आपके पास आ गया 1 1। सो 1 आपने रिजल्ट में लिख दिया और 1 आपका चला गया कैरी में। अब 1 + 1 + 1 आपके पास क्या बना, 3, और 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 1 1। सो 1 आपने लिख दिया और 1 आपका जो है वो कैरी वाला वो भी उसी तरह से नीचे आ गया। सो आपके पास चारों नंबर का रिजल्ट क्या आ गया, 1 + 1 + सॉरी 1 1 1 0 0। आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। सो सब्ट्रैक्शन में भी सेम जो मेथड मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो यूज़ होगा। दो डिजिट हैं आपके पास, एक डिफरेंस आएगा और एक बारो आएगा। बारो मीन्स के जो आप कैरी लाते थे दूसरी तरफ से इन नॉर्मल मैथमेटिक्स। सो 0 - 0 0, बारो 0 किया आपने, 0 - 1 है तो आपने एक बारो किया, और 1 0 1 गया आपके पास, और -1, और 1 0 - 1 आपके पास बन गया 1। तो 1 1 आपके पास आ जाएगा, 1 आपका बारो आ जाएगा। सो 1 - 0 1 0, बारो किया आपका, डिफरेंस आपका 1 आ गया। सो 1 - 1 1 0, सो बारो आपने 0 किया। सो दो नंबर हैं आपके पास, उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट नंबर है आपके पास 1 0 1 1, सेकंड नंबर है 1 1 0। फ्रॉम द राइट 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1, यहाँ से आप कैरी लेंगे, जो आपके पास 1 था वो उधर कैरी चला गया। अब बारो कर लिया आपने, अब बारो किया तो बारो 1 - ये बन गया 1 0। 1 0 आपके पास 2 होता है, तो 1 0 में से 1 निकालेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। तो ये जो 1 आगे वाला आ गया फोर्थ कॉलम में, ये आपका चला गया उधर बारो में, ठीक है। तो रिजल्ट आपके पास आ गया 1 0 1। सो मल्टीप्लीकेशन सिंपल, ये तो और भी सिंपल है, सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा प्रोडक्ट के कॉलम में। लेट्स से ये आपके पास नंबर आ गए। सो 1 1 0 1 आपके पास 13 है, और 1 0 1 आपके पास 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने 1 से सबको करना है, तो आपके पास 1 0 1 1 आ गया, फिर 0 0 0 0 आ गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 0 1 1 आ गया। इन सबको आपने एड अप कर देना है और ये आपके पास डिजिट सॉरी बाइनरी नंबर बन जाएगा 1 0 0 0 0 0 1। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 65 आ जाएगा। सो एक मेथड है मल्टीप्लीकेशन बाय शिफ्टिंग लेफ्ट। सो डेसिमल 29 शिफ्टेड लेफ्ट बाय 1 डिजिट, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 290। शिफ्ट लेफ्ट 1 डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 10। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डिजिट को
शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे किस डिजिट से, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो बाइनरी नंबर है 11101 विच इज़ इक्वलेंट टू 29 इन डेसिमल शिफ्टेड लेफ्ट बाय 1 बिट। अगर आप इसको एक जीरो की शिफ्ट देते हैं लेफ्ट साइड पे तो आपके पास नंबर बन जाएगा 111010। तो इसका मतलब आपने इसको शिफ्ट दे दी और 58 से जो नंबर है आपके पास वो 58 है। सो शिफ्टिंग लेफ्ट 1 बिट इज मल्टीप्लाई बाय 2। सो अगर आप बाइनरी नंबर को शिफ्ट देंगे 1 बिट की, तो उसका मतलब है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब डेसिमल में शिफ्ट देंगे तो उसका मतलब है आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो बाइनरी डिवीजन सिंपल वही जो नॉर्मल डिवीजन है उसी तरह से होगी, लेकिन रूल्स बेस्ड 2 के लगेंगे। सो 1101 को आप 101 से डिवाइड कर रहे हैं। सो पहले आप 1 से वन से की आपने तो 101 आ गया आपके पास, डिफरेंस क्या आ जाएगा 011। सो आप 011 को आप क्या करेंगे, आप ये से बड़ा है सो आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दिस केस, तो आपके पास 00 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जो बेस बचेगी आपके पास जो है रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा 11। सो डिवीजन बाय शिफ्टिंग राइट, अगर आप डेसिमल नंबर को 10 राइट शिफ्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप उस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। सो अगर आप बाइनरी नंबर को शिफ्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, साइंड एंड अनसाइंड नंबर। सो अनसाइंड बाइनरी नंबर्स और फिर साइंड बाइनरी नंबर्स। सो व्हाट आर साइंड बाइनरी नंबर्स? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट साइन। ठीक है जी, इस अगर आप साइंड और अनसाइंड नंबर्स यूज कर रहे हैं, अगर तो आप ऐसे यूज कर रहे हैं तो फिर तो वो साइंड अनसाइंड नंबर नहीं है। अगर आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स की, तो इस केस में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है मीन्स के जो फर्स्ट बिट है वो रिप्रेजेंट करेगी कि आइदर नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो जीरो रिप्रेजेंट, अगर उस तो साइन बिट के मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर वो वन है तो वो नेगेटिव नंबर होगा। सो टूज कम्प्लीमेंट, व्हाट इज कम्प्लीमेंट? सो वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म, टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म। अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर है लेट से 01101, तो इसका जो इक्विवेलेंट है डेसिमल में 13 है। सो फर्स्ट कम्प्लीमेंट किस तरह से लेंगे, आप सिर्फ उसकी जो वैल्यूज हैं उनको इन्वर्ट कर दें, 0 को 1 से रिप्लेस कर दें और 1 को 0 से रिप्लेस कर दें। ठीक है जी, और टूज कम्प्लीमेंट किस तरह से लेंगे, उसी नंबर जो आपने वंस कम्प्लीमेंट लिया है उस नंबर का, उसको उसमें 1 ऐड कर दें और फिर आपके पास जो फाइनल नंबर आएगा वो बेसिकली टूज कम्प्लीमेंट होगा उस नंबर का। तो इस केस में साइन बिट जो है आपकी वो रिप्रेजेंट कर रही है कि नंबर जो है वो नेगेटिव है। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद टूज कम्प्लीमेंट। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, ये चार एग्जांपल हैं आपके पास, दो नंबर हैं 01010, 0010। इन दोनों को हमने सिंपली ऐड कर दिया, अब जो जो आंसर है वो हमारे पास है 011, तो 7 आ गया हमारे पास आंसर। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है इस केस में, 0 है, तो हम उसके साथ प्लस लगा देंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में 5-2 में भी हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ गया। नीचे वाले दोनों केसेस में हमारे पास जो आंसर आ रहा है उस मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, 1 है, तो इसलिए उसके साथ हमने माइनस लगा दिया। इसी तरह फोर्थ केस में भी हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 है, तो इसलिए हमने उसको बता दिया कि ये साइंड नंबर है और ये -3 है। सो रेंज ऑफ नंबर, मैक्सिमम रेंज नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल नंबर एग्जांपल और बाइनरी नंबर एग्जांपल आवर फ्लो ये वाले। सो रेंज क्या है बेसिकली, अब डेसिमल नंबर हमारे पास आपके पास टेबल में अवेलेबल है। ठीक है, सो मैक्सिमम रेंज जो है हमारे पास साइन मैग्नीट्यूड जो है वो है 2^n-1, और मिनिमम 2^n-1 से लेके 2^n-1 -1 तक।
सो टूज कंप्लीमेंट की रेंज है 2^n-1 से लेके 2^n-1 -1 से तक। अनसाइंड नंबर में हमारे पास जो रेंज है वो क्या है, 2^n से लेके 2^n-1 तक। ये बेसिकली रेंज है और नीचे आपको बता दिया गया है कि, और साथ आप देख सकते हैं कि जो साइन मैग्नीट्यूड और टूज कंप्लीमेंट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो डिफाइन कर रही है इस नंबर को कि ये सारे पॉजिटिव हैं, जबकि एंड साइन में आप देख सकते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो डिफाइन करेगी वो कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो अवेलेबल नहीं है। माइनस वाले के में देख सकते हैं आप जो -1 से लेकर -8 तक उसकी रेंज भी डिफरेंट होगी, या 2^n माइनस साइन मैग्नीट्यूड जो है 2^n-1 -1 से लेके -2^n-1 तक, और 2^n-1 से लेके -2^n-1 तक रेंज है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बता रही है कि ये सारे नंबर जो हैं वो नेगेटिव हैं। पता चल गया, हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि ये मेथड से हमारे पास दो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के सम ऑफ बिट्स और सम ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हमारे पास सम ऑफ वेट्स इन रिवर्स और रिपीटेड डिवीजन बाय टू, ये दो मेथड्स हैं। इसी तरह फ्रैक्शन के केस में हमारे पास सम ऑफ वेट्स वाला मेथड है और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय टू का मेथड है हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्जन में। उसके बाद हमने देखी बाइनरी एडिशन क्या है, बाइनरी सबट्रैक्शन किस तरह से होती है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या कर। उसके बाद हमने अनसाइंड और साइंड नंबर्स में जो डिफरेंस है वो देखा, टूज कंप्लीमेंट किस तरह से लेते हैं, वंस किस तरह से लेते हैं, रेंज क्या है नंबर्स, ये हमने देख ली। सो